Good morning students, welcome back to my YouTube channel and here I come with the chapter The Rise of Nationalism in Europe and this is part 3. अपनी सेकेंड वीडियो में हम नेपोलियन के बारे में बात कर रहे थे कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस में वापस आता है और कैसे वो अपनी नेपोलियनिक कोड के जरिए उसे इम्प्लीमेंट करता है और कैसे बहुत सारे दूसरे नेशंस को अपना एनिमी बना लेता है। जब नेपोलियन इतना स्ट्रोंग हो गया था क्योंकि उसको एक कंट्री नहीं हरा सकता था तो ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया चारों ने हाथ मिला लिया और प्लान बनाया कि हम नेपोलियन को हराएंगे और अटैक कर दिया और नेपोलियन को हरा दिया। ये लिपजिंग में द बैटल ऑफ लिपजिंग इन 1813 कहा जाता है। जब नेपोलियन हार गया था तब यूरोप के अंदर ये कार्टून बड़ा फेमस हुआ था। इसके अंदर नेपोलियन को एक पोस्टमैन के रूप में दिखाया है जो ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिपजिंग इन 1813 ईच ड्रॉपिंग लेटर्स बियरर्स द नेम ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट। जो भी उसके बैग से लेटर्स गिरते दिखाए गए हैं उन सब के ऊपर उन टेरिटरीज के नाम हैं जो उसने इस लड़ाई में खो दिए थे। और ये सब हुआ किसकी वजह से था? कंजर्वेटिव सोच के कारण। अब ये कंजर्वेटिविज्म क्या होता है? एक्चुअली कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है जिसके अंदर ट्रेडिशंस, कस्टम्स, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और ग्रेजुअल डेवलपमेंट को फोकस किया जाता है, उस पर स्ट्रेस किया जाता है। यानी कि प्रोग्रेस तो होनी चाहिए लेकिन धीरे धीरे, क्विक प्रोग्रेस या क्विक चेंजेस के ये एकदम अगेंस्ट थे। ये मोनार्की को प्रिजर्व करना चाहते थे, चर्चेज को दोबारा पावर देना चाहते थे, सोशल हायरचीज यानी कि जो समाज के अंदर ऊंच नीच, ऊंचा छोटा बड़ा जो पहले हायरचीज थी उनको एज इट इज़ फॉलो करना चाहते थे और वापस से ऑटोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश करना चाहते थे। ये फैमिली और प्रॉपर्टी दोनों को प्रिजर्व करना चाहते थे। इन्हें कोई भी क्रिटिसिज्म या डिसएग्रीमेंट मंजूर नहीं था, इसीलिए इन्होंने सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे ये कंजर्वेटिज्म उससे सहमत थे। इन्हें लगा कि मॉडर्नाइजेशन एक्चुअल में ऑटोक्रेटिक रूल को स्ट्रेंथ देता है। इन्हें एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक मॉडर्न आर्मी, डायनामिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म को ख़त्म करना और सर्फडम, ये सब उस समय यूरोप के ऑटोक्रेटिक मोनार्क की पावर को इंक्रीज कर सकते थे। इसलिए इन्होंने रशिया, पर्शिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया ये सब वियना में मिले 1815 में, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है। ये उस समय जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक, ये इम्पॉर्टेंट पर्सन है इसीलिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप याद रखेंगे। ड्यूक मैटरनिक ने इसको होस्ट किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जिस बुर्बो डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया गया था, इन कंजर्वेटिव सोच के पीपल्स ने उसे वापस से रिस्टोर कर दिया फ्रांस के अंदर। फ्रांस अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड ना कर पाए, उन्हें फैला ना सके, इसलिए बहुत सारे स्टेट उसकी बाउंड्रीज पर इस्टेब्लिश कर दिए और सारे चारों
स्टेट्स ने, चारों कंट्रीज ने मिल बांटकर फ्रांस को, अलग अलग हिस्से को अपने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे नदरन पार्ट नीदरलैंड को दे दिया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। साउथ सदरन पार्ट पिडमोंट को दे दिया, इसमें जिनोवा भी साथ था। जिनोवा को पिडमोंट में मिला दिया गया और सदरन पार्ट पिडमोंट को दे दिया गया। पर्शिया को भी कुछ टेरिटरीज वेस्टर्न एरिया में मिली। ऑस्ट्रिया का कब्जा नॉर्थ इटली पर हो गया। रशिया को पोलैंड मिला, लेकिन जो नेपोलियन ने 39 स्टेट को मिला के एक कन्फेडरेशन मीन्स संघ, जो एक संघ बनाया था, उसे अनटच छोड़ दिया गया। ये सब किस लिए किया गया? ये सब इसलिए किया गया, कंजर्वेटिव्स वांटेड टू ब्रिंग बैक द मोनार्कीज दैट नेपोलियन हैड ओवरथ्रोन एंड टू क्रिएटिव ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इनमें से ज़्यादा ने सेंसरशिप लॉज को कंट्रोल किया, जो भी बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया एक्सप्रेस किया जाता, उसे ये सेंसरशिप के जरिए इम्पोज कर देते, उसे रोक देते। ये ऐसा कोई भी आइडिया डेवलप नहीं होने देना चाहते थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएट होता हो। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरीज थी, वो लिबरल्स के दिल में कहीं ना कहीं रह गई थी। और लिबरल नेशनलिस्ट का केवल एक ही इशू था, जो था फ्रीडम ऑफ प्रेस। लेकिन जो रिप्रेशन का फियर था, रिप्रेशन मीन्स दमन, जो रिप्रेशन का फियर था 1815 में, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो रेवोल्यूशनरीज में बदल गए और अंडरग्राउंड हो गए। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। इनका मेन एम नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करना था। दे ओपोज मोनार्की सिस्टम एंड वांटेड फ्रीडम। दे वांट टू एन एट ऑटोक्रेटिक रूल एंड टू फॉर्म ए नेशन स्टेट, यानी कि कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री वाला नेशन स्टैब्लिश करना चाहते थे। ऐसे ही एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी थे, जुसेपे मैज़िनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इनका जो जन्म था वो जिनेवा में 1807 में हुआ था, और ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं। जब ये 24 ईयर्स के थे, तो ही हैड टू गो इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर ट्राइंग रेवोल्यूशन इन लिगुआरिया। ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड मेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब जो राष्ट्र होता है, वो मनुष्य की प्राकृतिक इकाई, ईश्वर की इच्छा से ही बना है। और ये इटली को एक पैच वर्क, यानी कि छोटे छोटे स्टेट्स का पैच वर्क के रूप में नहीं देखना चाहते थे। ही बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड इटली के फेवर में थे। इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी का मॉडल बनाया था, बाद में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड ने उसे फॉलो किया था। इन्होंने टू सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई थी। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यंग इटली इन मर्शले एंड यंग यूरोप इन बैरने। आपको कहाँ पर थी इसको याद रखने की बजाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, जुसेपे मैज़िनी। थैंक्स फॉर आवर टुडेज टॉपिक। Thanks for watching my video. If you like my video, then share with your friends and subscribe. And don't forget to press the bell button so that you will get the notification of my new video. Thank you.